वहीं नगरीय निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवां वेतन मान के अनुसार 22% 1 मई 2022 से एवं 28% 1 अगस्त 2022 से महंगाई भत्ता स्वीकृत हुआ है। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से पुलक भट्टाचार्य, अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया है। अधिकारी कर्मचारी कल्याण पेंशनर्स संघ ने सभी पेंशनधारियों को बधाई देते हुए आगे भी संघर्ष जारी रखने की बातें कही हैं। संघ के पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह एवं श्रवण कुमार ठाकुर ने कहा कि लगातार विभागीय मंत्रियों सहित पेंशन शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार किया जाता रहा है। अभी हमने पिछली 15 तारीख को एक पत्र सौंपा था माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, हमारे जो विभाग के सचिव हैं तथा डायरेक्टर्स को, जिसमें हमने मांग किया था कि जितना जो डीए है, जो महंगाई राहत जिसको कहते हैं, जो अन्य विभागों शासकीय विभागों के कर्मचारियों को दे रहे हैं, वो उतना ही हमको भी प्रदान किया जाए। तो इसमें माननीय मंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय आदि जो भी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है और 28% नगरीय निकाय के लोगों को देने के लिए जो आदेश अभी 18 तारीख को हुआ है, वो स्वागत योग्य है और हम उनको बहुत अपनी तरफ से नगरीय निकाय पेंशन संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। किंतु अभी हमारी मांग इससे कुछ आगे भी है। हमने ये मांगा था कि शासन के अन्य विभागों में जो महंगाई राहत पेंशन को दिया जा रहा है वो वही हमको दिया जाए, उनके समान हमको रखा जाए और उसके लिए एक स्थायी आदेश भी जारी किया जाए। अभी शासन के जो अन्य विभाग हैं वहाँ महंगाई राहत 33% लोगों को मिल रहा है, हमें 28% दिया। निश्चित तौर पे हम इससे काफ़ी खुशी हमारे पेंशन में है, पर यदि शीघ्र ही 33% उनके बराबर कर दिया जाएगा तो और प्रसन्नता की बात होगी और हम उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अनुग्रहित भी होंगे। धन्यवाद। हमारा छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर संघ बनाई गई है, पिछले 2 महीने से रजिस्ट्रेशन हो गई, अब पत्राचार हो गया, निर्वाचित हो गया, प्रांतीय बॉडी बन गई। अब हम लोग शासन स्तर पर मिलने जुलने का कार्यक्रम रखेंगे, अपने समस्याओं को बताएंगे उनको कि यह है सर हमारा पेंशनर का प्रमुख समस्या महंगाई भत्ता, और जो पेंशनर हैं उनके बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको आज भी उनका अर्जित अवकाश की राशि नहीं मिली है, ग्रेजुएटी की राशि नहीं मिली है, उसको निर्देश प्रदान करें, भुगतान किया जाना चाहिए ताकि पेंशनर अपने समय को ठीक ठाक गुजार सकें।